सो हे गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल अजीत बाइकर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइज। तो गाइज आज का वीडियो जो है बाइक के ऊपर और बाइकर के ऊपर दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज मेरे हैंड में आप देख सकते हो ये जो है बाइक थ्रोटल का जो असिस्ट ग्रिप है और इसे हैंड ग्रिप भी बोला जाता है। सो बाइक में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है फ्रेंड। तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने बहुत सारे राइड किए हुए हैं इसके थ्रू। सो रिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल है ये वाला चीज़ जो देख रहे हो मेरे हैंड में। और फ्रेंड मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है याद रखना। और मैं एक दिन में पल्सर से 800 किलोमीटर मैंने राइड किए हैं अराउंड 14 आवर्स में। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ये हैंड में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट में प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने इसको बाय किया है और मैंने इसे लॉन्ग राइड में इसे यूज़ किया हुआ गाइस। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, तो चलिए इसको पहले दिखाते हैं इसको कैसे लगाना होता है और कैसे फिक्स करेंगे और कैसे इसको यूज़ करना है गाइस। तो चलो वीडियो में दिखाते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास पल्सर 150 सीसी की बाइक है और इसके थ्रोटल में मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको लगाने के लिए यहाँ पे मेरे को हैंड गार्ड थोड़ा सा निकालना पड़ेगा क्योंकि इसे यूज़ करना काफ़ी ईजी है। और अगर डायरेक्टली यहाँ से अगर फिक्स करते हो तो ये टूट सकता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है बट यार रिस्क नहीं ले सकते। तो इसे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, बार इंड जो है इसे ओपन करने के बाद इसमें लगाने के बाद फिर इसको लगा देंगे। लेकिन अगर आपके बाइक में ये आपका नकल गार्ड नहीं लगा हुआ है तो आप डायरेक्टली से यहाँ के बार इंड के थ्रू आप लगा सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल सा इसे हल्का सा इसे डाउन करना, पुश करना और ये जो है अंदर से ये चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे जो है मेरा जो ये नकल गार्ड लगा हुआ है इसके कारण से यहाँ पे अंदर नहीं जा सकता। सो इसे पहले ओपन करेंगे और नकल गार्ड को थोड़ा सा इसे साइड करेंगे, उसके बाद इसको पुश करेंगे। तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं और इसको साइड रखते हैं और बाहर इनको खोलना बहुत ही ईजी है। और इसे मैं यहाँ पे ईज़िली तरीके से यहाँ पे मैं इसे लगा दूंगा। तो बहुत ईजी है, हल्का सा इसे डाउन करना और यहाँ पे इसे फिक्स कर देना। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप इस गार्ड को यहाँ पे फिक्स कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा थ्रोटल असिस्ट ग्रिप जो है इसमें इंस्टॉल हो गया है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक भी आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है गाइज। आप देख सकते हो मैं वन फिंगर से इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आराम से आप वन फिंगर से यूज़ कर सकते हो अपने थ्रोटल को और एक्सीलेटर ले सकते हो गाइज। मैंने बहुत सारे बाइक में इसे यूज़ करके देखा हुआ है। सो इसे फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हर कोई बाइक में इसे आराम से आप फिक्स कर सकते हो। इसे एडजस्ट करना काफ़ी इजी है, आप सामने की ओर नहीं इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे घुमा देना, आराम से इसे एडजस्ट कर सकते हो जैसा कि आप देख रहे हो। अगर सामने की तरफ आप करोगे तो ये जो रोल हो जाएगी, आप देख सकते हो रोल हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे रोल करोगे तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो अगर वन फिंगर से यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, देख सकते हो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ से आप यूज़ करोगे तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको रोल कर सकते हो। और इसलिए फ्रेंड अगर लॉन्ग राइड करते हो, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, अगर आप बाइकर हो तो ये जो गैजेट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके थ्रोटल के लिए। तो थ्रोटल असिस्ट ग्रिप आपको बहुत सारे कलर में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में। अगर आपका बाइक का कलर से मैचिंग लेना चाहते हो तो ब्लू में, ब्लैक में, रेड में और ये जो फाइनली आप देख रहे हो मेरे बाइक में ऑरेंज लगा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेस्ट लुक लग रहा है। इसे यूज़ करना और अपने बाइक में थ्रोटल में से इसे इंस्टॉल करना बहुत ईजी प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। सो काफ़ी ज़्यादा छोटी प्रोडक्ट है बट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर अपना मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ और कैसे इसका यूज़ है आपको मैं दिखाता हूं गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना बाइक को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो मैं थ्रोटल का यूज़ नहीं कर रहा हूं, मैं ये ग्रिप का यूज़ कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कितना इजी हो गया है। अगर हाईवे पे जाते हो तो आराम से आप अपना थ्रोटल का यूज़ इस ग्रिप के थ्रू कर सकते हो। और आप यहाँ से देख सकते हो डाउन का पोजिशन कितना आपको यहाँ पर रिलैक्स देने वाला है गाइज, आपको पाम को। तो यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये जो मेरा पाम है यहाँ पर इस जगह पर कितना बेस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है ये। और इसे मैं निकाल के फिर से दिखाता हूँ तो देख लो कितना ईज़िली तरीके से ये बाहर आपका निकल जाएगा। तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट अंडर 99 रुपीज़ में मेरे को लगा। अगर आपको बाय करना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो गाइस।